पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेसी विधायकों के धरने के साथ सत्र की शुरुआत, कानून व्यवस्था को बनाया मुद्दा। तारगंज में दो अलग अलग स्थानों पर सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत, पुलिस जांच जुटी। रानीखेत विधायक की पहल, कुटीर उद्योग शुरू कर जल्द महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की कही बात। करंट लगने से 16 साल के बच्चे की मौत, क्षेत्र में शोक की लहर। सितारगंज में दो अलग अलग स्थानों पर सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि सुबह लगभग 9 बजे मृत अवस्था में एक व्यक्ति को लाया गया था, जिसका नाम राशिद बताया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि परविंदर कौर नाम की महिला को भी मृत अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जाँच जुट गई है। आज सुबह 9 बजे के आसपास एक राशिद मलिक सनाफ वाहिद हुसैन 32 साल उम्र, इनको 27 साल लाया गया था। ये मृत अवस्था में ही लाए गए थे, ये सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे, जिसकी सूचना हमने पुलिस को भेज दी और इनके फैमिली मेम्बर भी साथ में ही आए हुए थे। और दूसरी घटना बलविंदर कौर की, उम्र इनकी 63 साल है, ये तिगड़ी फार्म से तारवी के रहने वाले थे, इनको सरकारी अस्पताल में लाया गया था, ये भी मृत अवस्था में ही लाए गए थे। बाकी इनकी भी हमने दे दी है। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट तल्ला बिरल गांव में एक आवासीय भवन अचानक घर भरा कर क्षतिग्रस्त हो गया। सल्ट तल्ला बिरल गांव निवासी धर्मानंद दत्त का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि जिस वक्त ये घटना घटी उस समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। मवेशियों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों का कहना है कि पीड़ित धर्मानंद मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वो गरीब परिवार से है, मेहनत मजदूरी के सहारे परिवार भरण पोषण करता है। धर्मानंद ने लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था, लेकिन अभी तक पीड़ित को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। मसूरी में आगामी नए साल के जश्न और पर्यटन सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी तिरंजन सोनिका सिंह द्वारा मसूरी में SP ट्रैफिक अक्षय कोंडे द्वारा तैयार किए गए प्लान की समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी देहरादून में मसूरी के सभी स्टेक होल्डर से जिला प्रशासन और पुलिस का मसूरी मॉल रोड पर्यटन स्थलों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सहयोग करने की अपील की गई। इसकी और अच्छा यूटिलाइजेशन कैसे हो, इसके लिए आज सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। प्लस जो ट्रैफिक की यहाँ पे इश्यूज हैं और मॉल रोड पे स्पेशली किस तरह से व्हीकल्स का मूवमेंट रहे, इसके ऊपर आज होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन के लोग और नगर पालिका के अध्यक्ष जी यहाँ थे और काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं। अगर कोई फीडबैक होगा, कोई चेंजेस होंगे तो उसको पॉजिटिवली लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन अभी जो व्यवस्था आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसको हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते तक लागू करें। अभी बात हुई थी इस बारे में कि सभी का शहर है और सभी को मिलजुल के यहाँ पे व्यवस्थाएं बनानी है, किसी के इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, ये शहर के हित के लिए हो रहा है, तो सभी लोग अग्री किए हैं और मुझे लगता है कि सभी लोग इस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने में सहयोग करें। चीज़ चल रही है अभी, और क्योंकि व्यापार मंडल के भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे हैं, उनसे बातचीत चल रही है, क्योंकि उनको बैरियर का आगे पीछे करने का है, तो वो SP ट्रैफिक यहाँ पे है, उनको बता रहे हैं कि बैरियर की लोकेशन क्या रहेगी और किस तरह से इससे किसी को। रामनगर पहुंचे रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पहाड़ों में ऐसे कई औषधीय पेड़ पौधे हैं जिनको इस्तेमाल कर कई औषधीय बनाने के साथ ही कई वस्तुएं बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि इनके इस्तेमाल जहां महिलाओं सहित कई लोगों को रोजगार मिलेगा, उसके साथ ही पलायन को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि पहाड़ों पर ही अगर रोजगार मिलेगा तो पहाड़ के लोग बाहर क्यों जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर लघु उद्योग के रूप में हम पहल करने जा रहे हैं। पलायन को रोकने के लिए सरकार बहुत गंभीर है, सरकार गंभीर प्रयास भी कर रही है। मेरी विधानसभा में हमने जो बिच्छू घास है, जिसे शिशोण कहते हैं स्थानीय भाषा में, उससे ऑर्गेनिक चाय बनाना और उसके रेशे से बैग बनाना, मफलर बनाना, पंखी बनाना, तमाम इस प्रकार के कुटीर उद्योग को शुरू करने के लिए हमने एक प्रयास शुरू किया है। हम प्रदेश सरकार की मदद से बहुत जल्दी हम क्षेत्र की महिलाओं को उसका प्रशिक्षण देंगे और उसके छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर जड़ी बूटी से आधारित या यहाँ के जो वन आधारित जो लघु उद्योग हैं, अगर उनको प्रोत्साहन देंगे तो निश्चित रूप से हमारा पलायन रुकेगा और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत। टिहरी जिले के विकास में बिलंगना के थाती बूढ़ा केदार गांव में एक 16 वर्षीय किशोर बॉबी रांगड़ बिजली के पोल से करंट लगने से पूरी तरह झुलस गया, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से निजी वाहन के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलेश्वर पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद किशोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी भेज दिया गया है। बूढ़ा केदार क्षेत्र राजस्व पुलिस के अंतर्गत है, वहाँ से पटवारी जी के माध्यम से ये सूचना मिली थी
कि वहाँ पर जो है करंट लगने से एक 15 वर्षीय जो बालक है वो बुरी तरह झुलस गया था। तब उसको फिर यहाँ बिलेसर CSC लाया गया था, जहाँ पर उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। बाद में जो है इसको यहीं PSC में बिल्की में उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है, और उसके उपरांत संबंधित जो UPCL है उन्हें भी इसकी जानकारी है। तो प्रभावित परिवार को समुचित जांच वो भी करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर भी आ रहे हैं। उसके बाद जो भी उनको विभाग के स्तर पर राहत सहायता जो भी दी होगी समुचित जांच के उपरांत विभाग उसमें आवश्यक कार्रवाई करेगा। फोन किया कि यहाँ पर गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, कोई गाड़ी की अरेंजमेंट करवाइए। एक बालक को वहाँ पे जो है ST लाइन से जो है करंट लग गया था, और तुरंत मैंने जो है अपने साथियों को फ़ोन किया, BDC मेंबर मुकेश जी को फ़ोन किया, साथी मनमोहन रावत जी को, गुड्डू राणा जी को, सभी लोगों से मैंने संपर्क किया, और वहाँ पर तत्काल जो है गाड़ी की व्यवस्था की गई। और उस बालक को जैसे यहाँ बूढ़ा केदार से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर में लाया गया, तो डॉक्टरों ने जो है उसको चेकअप किया, हम लोग साथ में ही थे सभी साथी। तो वहाँ पर जो है डॉक्टर ने ये कहा कि ECG के अनुसार इसकी जो हृदय गति है वो नहीं चल पा रही है, तो इसको बचाया जाना थोड़ा मुश्किल ही है। तो उसके पश्चात जो है सभी गांव के कुछ और लोग भी आ गए थे, तो डॉक्टर ने लास्ट में उसको जो है मृत घोषित कर दिया। और आगे की कार्रवाई के लिए जो है हमने माननीय विधायक जी को भी फ़ोन किया कि इसको जो है पोस्टमार्टम करने के लिए यहाँ पर घनसाली में या बेलेश्वर में ही कोई टीम अगर आ सकती है तो यहाँ पर ही उसकी व्यवस्था हो जाए। और माननीय प्रमुख जी को भी हमने रिक्वेस्ट किया था, तो संभवतः ये बात बनी है कि तहसीलदार साहब के माध्यम से भी और सभी टीम ने मिलजुल के ये प्रयास किया है कि बिल्कुल में सहायक है कि इसका पंचनामा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है आज ही जो है तैयार की जाएगी। शक्ति फार्म में जमीनी विवाद को लेकर मृत व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृत व्यक्ति का शव उनके ही घर के पास झाड़ी में बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम सभा टैगोर नगर निवासी पंचान मजूमदार का लंबे समय से अपने पड़ोस की महिला के साथ जमीनी विवाद चल रहा था। वहीं परिजनों का आरोप है कि बीते गुरुवार को जमीनी विवाद के चलते पड़ोसी महिला ने अपने दोनों पुत्र के साथ मिलकर उसकी झोपड़ी में आग लगा दी थी, जिससे उसका सारा सामान जलकर राख हो गया। मृतक के पुत्र ने पुलिस को अधिकारी ने बताया कि महिला ने अपने दोनों पुत्रों के साथ मिलकर 2-3 महीने पूर्व भी उनके घर में आग लगाई थी। इस दोनों घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी, जिस पर पुलिस की कार्यवाही जारी है। बावजूद इसके पड़ोसी महिला ने अपने दोनों पुत्रों संग मिलकर मृत व्यक्ति को मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित करती रही, जिससे तंग आकर मृत पंचान मजूमदार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही किए जाने के लिए शव को लेकर चौकी का घेराव कर जमकर हंगामा नारेबाजी की। गोपाल मजूमदार नामक व्यक्ति द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि कुछ लोगों के प्रताड़ित करने की वजह से इनके पिताजी ने आत्महत्या कर ली है। तो इसी के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है इस तहरीर के आधार पे, और इसमें कड़ी विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन इसकी की जाएगी। जो भी तथ्य इन्वेस्टिगेशन में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जूते केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यहां लोगों का हर रोज जमावड़ा लग रहा है। वहीं कई जगहों पर इस सेंचुरी एरिया में खुलेआम अतिक्रमण भी किया जा रहा है, जबकि परंपरा अनुसार कपाट बंद होने के बाद यहां आना भी प्रतिबंधित है। वहीं इस बात को लेकर हक हकूकदारियों ने जोरदार विरोध दर्ज किया है। मंदिर के पुजारी रविन्द्र मथानी ने कहा कि एक तरफ सेंचुरी क्षेत्र में खुलेआम निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहीं अतिक्रमण सरासर नियम विरुद्ध है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं न कहीं अधिकारियों की मिलीभगत से ये कार्य किया जा रहा है। पुजारी केदार मैथानी, वहाँ पे जो है 7 नवंबर को जो है कपाट बंद हो गए हैं, फिर भी वहाँ पे अतिक्रमणकारी जो है वहाँ पे अतिक्रमण किए जा रहे हैं। हमारी जो है नजूल भूमि है, वहाँ भी जो है अतिक्रमण किया जा रहा है, और हमारे वहाँ पे जो है कि ताले भी जो है तोड़ दिए जाते हैं, और जो हमारे पुराने मकान वहाँ पे हैं उनके पत्थर निकाले जा रहे हैं। इसकी शिकायत हम माननीय जिलाधिकारी महोदय उकीमत, जिला अधिकारी महोदय रुद्र प्रताप को भी जो है इसकी शिकायत विगत वर्ष हमने जो है शिकायत दर्ज की, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं हमें संदेह है कि कहीं उच्च अधिकारियों की मिली भगत होने के कारण ही ये अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है, इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है, इस चीज़ का हमें बड़ा खेद है। हरिद्वार नजीमाबाद हाईवे पर जंगल से निकलकर एक हाथी जा पहुंचा। हाथी के हाईवे पर पहुंचने से लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ देर के लिए तो हाईवे पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। बाद में हाथी हाईवे पर चलने लगा और लोग भी हाथी के पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हाथी जंगल की तरफ चला गया। उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। गनीमत रही कि जंगली हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया।
ताज़ा खबर जनपद टीरी गढ़वाल के विकास खंड भिलंगना में पढ़ने वाले बाल गंगा महाविद्यालय सेंदूर से है, जहां पर बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का रिजल्ट घोषित न होने पर आक्रोशित छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर में तालाबंदी और जमकर नारेबाजी की। छात्र छात्राओं का कहना है कि विगत अक्टूबर महीने की 6 तारीख को उनका परिणाम घोषित होना था, मगर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की लापरवाही के चलते उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसके चलते उनके द्वारा महाविद्यालय प्रशासन को भी अवगत कराया गया, लेकिन इस दौर महाविद्यालय प्रशासन का उदासीन रवैया रहा, जिसके कारण उनके द्वारा महाविद्यालय में तालाबंदी की गई। इनकी पूरी किताबें उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। परसों वार्ता की इनसे भी थी कि आप जो है क्लास पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन हो जाएगा, जिससे रिजल्ट आ जाएगा, हो जाएगा, इनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन नहीं, तो तारीख यह है कि उन्होंने एक मोटो बना रखा कि मैं आंदोलन कर रहा हूं, सॉल्यूशन यही निकलता था ना। वो एक तो हमारा परीक्षा परिणाम घोषित हुआ नहीं, जिसके कारण हम लोग भूख हड़ताल पे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी समस्त जो जिम्मेदारी होगी वो विद्या यहाँ पे कॉलेज प्रशासन की होगी। गरुड़ क्षेत्र के दर्शानी खड़ेरिया ग्राम सभा में विगत समय से चली आ रही पानी की समस्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपजिलाधिकारी गरुड़ राजकुमार पांडे भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि दर्शानी के ग्रामीण पिछले 2 महीने से पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र के हैंडपंप नौले आदि से पानी की आपूर्ति को मजबूर है। इस समस्या को देखते हुए ग्रामीणों के निवेदन पर उपजिलाधिकारी गरुड़ दलबल के साथ दर्शानी पहुँचे, जहाँ पर दर्शानी के समस्त ग्रामीण भी मौजूद थे। पानी की समस्या थी दर्शानी गाँव में, और अभी वार्ता के दौरान ये निर्णय हुआ है कि पुरानी लाइन उनकी जो है स्रोत से पुनः जोड़ दी जाएगी, और जिससे दारसानी को डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा बूढ़ी धार से, और पानी की जो कुछ जगह डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ाया गया था उनको पुराने पूर्वत कर दिया जाएगा, यही डिसाइड हुआ। सर, पानी की समस्या से लगभग कब तक निजात मिल जाएगी? एक हफ्ते का समय जल निगम ने मांगा है, जल निगम ने एक हफ्ते में वो व्यवस्था कर देंगे, तब तक के लिए उन्होंने आंदोलन समाप्त कर दिया। अभी यहाँ दरसानी में 2 महीने से पानी की किल्लत पड़ी हुई थी और पूरा पानी बंद कर दिया था, गांव वाले हैंडपम्प से इधर से उधर से इधर जा रहे, स्कूल के बच्चों लेट हो रहे थे और स्कूल पहुँच पा रहे उस समय से पानी बनना पड़ता था। इसके बाद हमने जिला अधिकारी महोदय से कहा, आज एस डी एम साहब वहाँ पर आए थे मीटिंग में, और उसके बाद जल निगम संस्थान वालों ने, जल निगम वालों ने जो है अभी आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते के अंदर हम आपकी पानी की लाइन जोड़ के देंगे। चमोली के गोपेश्वर में एक नामी प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक पर उसी स्कूल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप लगने के बाद पुलिस ने शिक्षक को देर रात ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के द्वारा आरोपी शिक्षक को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जिला कारागार पुरसाड़ी भेज दिया गया है। मामला बीते 17 नवंबर का है। आरोपी शिक्षक के द्वारा छुट्टी के बाद छात्रा को मोबाइल पर मैसेज कर गोपेश्वर स्थित पोखरी बैंक के पास किसी सुनसान जगह पर बुलाया गया, जहां वह पीड़िता से छेड़छाड़ करने लगा। पास बैठे स्थानीय लोगों के द्वारा जब इस घटना का विरोध किया गया तो आरोपी शिक्षक भाग खड़ा हुआ। लोगों ने उस वक्त युवक के बारे में छात्रा से पूछताछ की तो छात्रा ने बताया कि वो उसका शिक्षक है, और छात्रा ने शिक्षक का मोबाइल नंबर भी स्थानीय लोगों को दिया। लोगों ने मोबाइल पर फोन किया तो आरोपी शिक्षक ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा छात्रा को उसके घर तक पहुँचाया गया। मामला जब छात्रा के परिजनों तक पहुंचा तो छात्रा के परिजनों ने पुलिस उपाधीक्षक चमोली से मुलाकात की, जिसके बाद छात्रा के परिजनों की दावे पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद देर रात को ही पुलिस द्वारा आरोपी शिक्षक को गोपेश्वर स्थित कमरे से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के संज्ञान में थाना गोपेश्वर में एक मामला आया था कि एक छात्र जो है छात्रा के साथ उसी के स्कूल में टीचर द्वारा बदला की जा रही थी लगातार, जिसका उसके द्वारा विरोध किया गया, और उसने जब अपने परिजनों को बताया, परिजनों के द्वारा जब पुलिस के संज्ञान में मामला लाया गया, हमने तुरंत इसमें FIR दर्ज करा के इसकी अरेस्टिंग की है, और इसमें जो भी पोक्सो अधिनियम और अन्य जो धाराएं हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आरंभ एक पहल सोसाइटी द्वारा देहरादून में संविधान दिवस से स्कूलों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आरंभ एक पहल सोसाइटी NGO द्वारा बीते 26 नवंबर को देहरादून के श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल पटेल नगर में बच्चों के साथ भारत के संविधान और शिक्षा के अधिकार की सामान्य जानकारी देते हुए देहरादून में कानून की जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस NGO से जुड़े अधिकतर कानून के छात्र हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।